रहमतुल्लाही बबरकातु। प्यारे बच्चों, हमने इससे पहले के सबक में अलीफ से लेकर या तक के ज़बर वाले हर्फ और ज़बर वाले हर्फ की मश्क को हमने यहाँ पर पढ़ा और लिखा। प्यारे बच्चों, आज हम क्या सीखेंगे? आज हम एराब में ज़ेर वाले हर्फ सीखेंगे, ज़ेर सीखेंगे। एराब में हम क्या सीखेंगे? ज़ेर। तो प्यारे बच्चों, आज हम ज़ेर वाले हर्फ को यहाँ पर पढ़ेंगे इंशाल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, यहाँ पर हमने अलीफ के नीचे ज़ेर लगा हुआ देखा। प्यारे बच्चों, यहाँ पर ज़ेर ज़ेर के ऊपर सर्कल किया हुआ है। प्यारे बच्चों, हमें यहाँ पर समझना है कि ज़ेर हर्फ के नीचे होता है। ज़बर कहाँ होता था? हर्फ के ऊपर। जैसे अलीफ के ऊपर ज़बर होता था, हम पढ़ते थे अलीफ ज़बर अ, इसी तरह यहाँ पर अलीफ के नीचे ज़ेर लगा हुआ है। हम कैसे पढ़ेंगे? अलीफ ज़ेर ई। यहाँ पर कटे हर्फ का अलीफ और उसी के नीचे भी क्या है? अलीफ के नीचे ज़ेर लगा हुआ है, तो हम कैसे पढ़ेंगे? अलीफ ज़ेर ई। इसी तरह बा, बा के तीनों कटे हर्फ के नीचे ज़ेर लगा हुआ है, तो हम क्या पढ़ेंगे? बा ज़ेर बी। इसी तरह बा हर्फ के बाद आता है ता, ता के तीनों कटे हर्फ के नीचे क्या है? ज़ेर है, तो हम क्या पढ़ेंगे? ता ज़ेर ती। इसी तरह कौन सा? यहाँ पर सा के सा हर्फ के तीनों कटे हर्फ के नीचे ज़ेर लगा हुआ है, तो हमें क्या पढ़ना है? सा ज़ेर सीम। सा के बाद जीम, जीम के तीनों कटे हर्फ के नीचे ज़ेर लगा हुआ है, तो हम क्या पढ़ेंगे? जीम ज़ेर जीम। जीम के बाद आएगा हा, हा के हा हर्फ के तीनों कटे हर्फ के नीचे ज़ेर लगा हुआ है, तो हमें पढ़ना है हा ज़ेर ही। इसी तरह हा के बाद खा, खा के तीनों कटे हर्फ के नीचे ज़ेर लगा हुआ है, तो हमें क्या पढ़ना है? खा ज़ेर खी। खा के बाद कौन सा हर्फ आएगा? दाल, दाल के नीचे ज़ेर लगा हुआ है, तो प्यारे बच्चों, दाल और दाल के कटे हर्फ के नीचे ज़ेर है, तो हम क्या पढ़ेंगे? दाल ज़ेर दी। दाल के बाद है जाल, और जाल के कटे हर्फ के नीचे भी ज़ेर लगा हुआ है, तो हमें क्या पढ़ना है? जाल ज़ेर जी। जाल के बाद रॉ, रॉ हर्फ कटे हर्फ के नीचे भी ज़ेर लगा हुआ है, तो हमें क्या पढ़ना है? रॉ ज़ेर री। रॉ के बाद आता है जा, जा और जा के कटे हर्फ के नीचे ज़ेर लगा हुआ है, तो हम क्या पढ़ेंगे? जा ज़ेर जीम। जा के बाद आता है सीन, यहाँ पर सीन के तीनों कटे हर्फ के नीचे ज़ेर लगा हुआ है, तो हम क्या पढ़ेंगे? सीन ज़ेर सी। इसी तरह सीन के बाद आता है शीन, शीन ज़ेर शी। शीन के तीनों कटे हर्फ के नीचे ज़ेर लगा हुआ है, तो हम क्या पढ़ेंगे? शीन ज़ेर शी। शीन के बाद आता है हर्फ सौद, सौद के तीनों कटे हर्फ के नीचे ज़ेर लगा हुआ है, और हमें पढ़ना है सौद ज़ेर सी। सौद के बाद आता है दौद, और दौद के तीनों कटे हर्फ के नीचे ज़ेर है, हम पढ़ेंगे दौद ज़ेर दी। दौद के बाद तो हर्फ की कटे हर्फ के नीचे भी ज़ेर लगा हुआ है, तो हम क्या पढ़ेंगे? तो ज़ेर ती। तो यहाँ पर तो ज़ेर ती की तीनों कटे हर्फ के नीचे ज़ेर है। इसी तरह तो के बाद है जो, और जो की तीनों कटे हर्फ के नीचे ज़ेर है, हमें पढ़ना है जो ज़ेर ज़ीम। जो के बाद एन, एन के तीनों कटे हर्फ के नीचे ज़ेर है, हमें पढ़ना है अंजेर ई। एन के बाद है गैन, गैन के तीनों कटे हर्फ के नीचे ज़ेर लगा हुआ है, हमें पढ़ना है गैन ज़ेर गी। गैन के बाद है फा, फा हर्फ के तीनों कटे हर्फ के नीचे ज़ेर लगा हुआ है, हम क्या पढ़ें?
फाजे फीम। फा के बाद है कौफ और कौफ हर्फ के तीनों कटे हर्फ के नीचे जेर है और हम क्या पढ़ेंगे कौफ जेर कीम। कौफ के बाद आता है काफ, काफ के तीनों हर्फ के नीचे जेर है और हम क्या पढ़ेंगे काफ जेर की। काफ के बाद लाम, लाम हर्फ के तीनों कटे हर्फ के नीचे जेर है, हमें पढ़ना है लाम जेर ली। लाम के बाद है मीम, मीम तीनों कटे हर्फ के नीचे क्या है जेर है, हम क्या पढ़ेंगे मीम जेर मी। मीम के बाद नून, नून तीनों कटे हर्फ के नीचे जेर है और हमें पढ़ना है नून जेर नीम। यहाँ पर नून के बाद कौन सा हर्फ आएगा, यहाँ पर नून के बाद आओ। प्यारे बच्चों यहाँ वाव के ऊपर गलती से जबर लगा हुआ है, प्यारे बच्चों हमें यहाँ पर वाव के नीचे जेर लगा कर पढ़ना है और लिखना है जेर विम। इसी तरह हम वाव के कटे हर्फ के नीचे भी जेर लगाएंगे और हम पढ़ेंगे वाव जेर विम। वाव के बाद दो चश्मा के तीनों कटे हर्फ के नीचे जेर है और हमें पढ़ना है हाजेर ही। हा के बाद गोलता, गोलता के नीचे भी जेर है और हम क्या पढ़ेंगे ताजेर ती। इसी तरह हमजा, हमजा के तीनों कटे हर्फ के नीचे जेर लगा हुआ है, हमें पढ़ना है हमजा जेर ई। हमजा के बाद हर्फ आएगा या के तीनों कटे हर्फ के नीचे जेर लगा हुआ है तो हम पढ़ेंगे या जेर ई। बच्चों हमने यहाँ पर अलीफ से लेकर या तक के कटे हर्फ के नीचे जेर लगा हुआ देखा और पढ़ा। प्यारे बच्चों हमें हमारी अरबी की नोटबुक में अलीफ से लेकर या तक के जेर वाले हर्फ को एक मर्तबा लिखना है, पढ़ना है और समझना है। तो प्यारे बच्चों ये था हमारा आज का सबक और आज का होमवर्क। बच्चों हमें हमारा होमवर्क अच्छे से करना है, अगर हमें जेर वाले हर्फ समझेंगे तो इंशाअल्लाह जेर वाले हर्फ की मश्क को पढ़ना आसान हो जाएगा, हमें जेर वाले हर्फ की मश्क का सबक आसानी से समझ में आ जाएगा। तो प्यारे बच्चों आगे के सबक इंशाअल्लाह हम जेर वाले हर्फ की मश्क पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह हाफिज, अस्सलाम।